मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कार्तिक मास निश्चित रूप से पवित्र मास तो है ही, परंतु हमारी कुछ ऐसी मनोकामनाओं की पूर्ति का ये अवसर भी देता है जो कि शायद किसी दूसरे माह में करने पर उतनी आसानी से पूरी न हो पाए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ माता लक्ष्मी की असीम कृपा की। कार्तिक मास में दान करना, कार्तिक मास में स्नान का और कार्तिक मास में धार्मिक आराधनाओं का अपना महत्व है, ये आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। परंतु क्या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है? क्या कार्तिक मास को अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? निश्चित तौर पर हाँ। साथियों, आज इस हमारे साधना सिद्धि चैनल पर एक ऐसी ही विलक्षण साधना की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि यदि आप कर्ज से दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति तक तो लेकर के आएगा ही, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, वो उस कर्ज मुक्ति के बाद में आपको इस स्थिति में भी लेकर के आएगा कि आप लोगों को कर्ज तक प्रोवाइड करें। साथियों, 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक पूरा ये जो है कार्तिक माह का समय है। अब इस पूरे कालखंड में कोई भी 21 दिन, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच के कोई भी 21 दिन लगातार हों तो सबसे बेहतर है, लगातार न भी हों तो भी आप 21 दिन की इस साधना को कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की प्राप्ति का ये महा उपाय आप कर सकते हैं। जिस किसी भी दिन से आप शुरुआत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जुटाने की भी ज़रूरत नहीं है। पीला वस्त्र एक आपको चाहिए, क्योंकि इस साधना में जो मंत्र जाप आपको करना है उस समय आपके तन पर किसी न किसी प्रकार का पीला वस्त्र अवश्य होना चाहिए। साथियों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको उठना ही है, और हमारी जो साधनाएं हैं साधना सिद्धि चैनल पर, उसकी एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती मैं कहूँगा, बहुत ही बड़ी विशेषता मैं कहूँगा कि हम न्यूनतम साधनों से अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सरलतम साधनाएँ जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप कर सकते हैं, बिना बड़े बड़े कर्मकांडों को संपादित किए कर सकते हैं, बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता के कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी खासियत कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं। तो एक तो हो गया पीला वस्त्र, दूसरा आपके घर में माँ तुलसी का पौधा तो होगा ही, और अगर नहीं है तो आप इस प्रयोग को करने से पहले उसकी स्थापना कर लें, उसको प्राप्त कर लें। तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, अपने मूड को अच्छा रखें, अच्छा सोचें, शांतिपूर्वक आप रहें, और ये प्रयास करें कि इस चमत्कारिक मंत्र के जाप से पहले आप किसी से कोई किसी भी प्रकार की बातचीत न करें, और ऐसा तभी संभव है जब आप जल्दी उठेंगे। जितना लेट आप होते चले जाएंगे उतनी संभावना इस बात की बढ़ती चली जाएगी कि किसी न किसी प्रकार से आप किसी से बात कर लें या कोई आपको टोक दें तो उसकी नौबत ही ना आए। तो साथियों, तुलसी के पौधे के पास में आप अपना आसन बिछा लें, एक गौ माता का जो घी है उसका दिया आप प्रज्वलित कर लें, और फिर किसी भी माला से इस चमत्कारिक मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। जाप साथियों इस प्रकार है, न वनिता न सुतो न सहोदरो न ही पिता जननी न च बांधवः वृजति साक मनेन जनेन वै भजत रे मनुजः कमलापतिम ओम विष्णवे नमः। साथियों, माता लक्ष्मी की कृपा इसलिए भी आवश्यक है, हम जिस युग में अभी जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको कि हम 21वीं सदी कहते हैं, उसमें पैसा जो है, पैसा शब्द या माँ लक्ष्मी की कृपा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, वो आपकी कम से कम
50 से लेकर के 60 फीसदी समस्याएं कम कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा यदि है तो आपकी 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, संभव ही नहीं है, परंतु कम से कम 50 से लेकर के 60 ये सभी पर लागू है, इतने प्रतिशत आपकी समस्याएं जरूर कम हो जाती हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं यदि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो। दो बातों का और आपको ख्याल रखना है, इस पूरे कार्तिक मास आप प्रयास करें, चाहे कितनी ही दुखद घड़ी क्यों ना आ जाए, आपके आंखों से अश्रुधार नहीं बहनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहां पर कभी कृपा नहीं करती जहां पर शोक का वातावरण हो। माता लक्ष्मी की कृपा वहीं पर होती है जहां हंसी हो, प्रफुल्लता हो, स्वच्छता हो, और ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन पूरे कार्तिक मास करना चाहिए। तो साथियों, मैं भी माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सम्मानित और जो नियमित दर्शक हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन पर अवश्य ही वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो साथियों, इसी प्रकार की और किसी विलक्षण साधना में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।